इस सिस्टम को आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सब्सटीट्यूट कर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग प्रोसीड करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। खैर, और ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है ये क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए, हम लोग इंटरमीडिएट स्टेप में देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। खैर, आपको क्या पता होना चाहिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ये पता होना चाहिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा को आप लिख सकते हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा जाता है, ठीक है, इसको आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, ये वन इस साइड में ले आते हो, तो वन इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका, वन प्लस कॉस टू थीटा, और यहाँ पर क्या करते हो, टू साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कॉस टू थीटा चला जाएगा, कॉस ऑफ टू थीटा। तो ये स्ट्रक्चर आप एक तरह से फ्रिक्वेंटली यूज होता है आपके लिए, कि वन प्लस कॉस टू थीटा को टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे टू थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया, मतलब एंगल हाफ हो गया। अगर वन माइनस कॉस टू थीटा हो, वनस्पत की वन प्लस कॉस टू थीटा है, अगर वन माइनस कॉस टू थीटा है तो आप क्या लिखोगे, टू साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो यहाँ पे एंगल है, सपोज यहाँ 60 है तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ अगर 30 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 20 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, वन प्लस कॉस टू थीटा या वन माइनस कॉस टू थीटा, ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है, चाहे डिफ्रेंशिएशन हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, या इस चैप्टर में हो जाए, है ना, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस कॉस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर, और एंगल आधा हो जाएगा, एक्स था तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर, यहाँ भी एक्स बाई टू हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या लिखा जाता है, मॉड ऑफ एक्स। कभी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर एक्स लिखते हैं तो ये आपका गलत होगा, ठीक है, ये चीज़ क्या है, गलत है। तो हमेशा अलर्ट रहा करिए, इस पर कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई हो गया आपका, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका डिसीजन मेकिंग स्टेप होता है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे आप, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाई टू, और ये मॉड में होगा। अब हमें ये पता है कि अगर ये मॉड में आ गया तो मॉड कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है, अगर अंदर वाली चीज़ निगेटिव है तो ये मॉड निगेटिव से ओपन होगा, अगर अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है तो मॉड किससे खुलेगा, प्लस से खुलेगा। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर अंदर माइनस थ्री है तो ये माइनस ऑफ माइनस थ्री, ये माइनस से ओपन हुआ मॉड, मतलब ये फाइनली आंसर तो आपका प्लस थ्री ही आने वाला है, और अगर अंदर प्लस थ्री रहा होता तब ये डायरेक्ट प्लस थ्री से ही ओपन होता, प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मॉड की डेफिनेशन होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे क्या है, टेन एक्स बाई टू, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है ये तो हमें पता ही नहीं है, आपको पता है, आपको सफिशियंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में ताकि ये आपको पता पड़ सके या आप पता कर पाओ। देखिए, एक्स क्या है आपका, एक्स जीरो से पाई है, और आपको सोचना किसके बारे में है, एक्स बाई टू के बारे में सोचना है, तो टू से डिवाइड कर दीजिए तो जीरो इज लेस देन एक्स बाई टू इज लेस देन पाई बाई टू, ठीक है। तो ये जीरो बाई टू जीरो ही होता है, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, जीरो से पाई बाई टू, एक्स कहीं आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो टेन भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये आपको कन्फर्म हो गया कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आप हटा दोगे, और क्या लिख दोगे इसको, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाई टू, ठीक है।
और tan इनवर्स ऑफ tan किसके इक्वल होता है, x बाई टू के इक्वल होता है, बशर्ते ये x बाई टू रेंज के tan इनवर्स की रेंज के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास देख लीजिए ये जीरो से पाई बाई टू है x बाई टू, तो वो उसके रेंज के अंदर है, ठीक है। tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, दैट इज योर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन।